दरियावत पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान सोमवार को हो रहा है। मतदाताओं का उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। मतदाताओं के मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। दरियावत पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 47 ग्राम पंचायत में पंचायत समिति के 17 वार्ड के उम्मीदवार और जिला परिषद के 4 वार्ड के उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डलवाने के लिए पूरी मेहनत की है। मतदाताओं में भी उत्साह देखा गया। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट भी मतदान केंद्रों के निरीक्षण करने के लिए दरियावत पहुंचे और वहां तैनात पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरियावत पंचायत समिति क्षेत्र में 212 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सैनिटाइज करने के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान करवाया जा रहा है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी मतदाताओं को 2 गज की दूरी पर रखा है। साठपुर में सुबह ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं उपखंड अधिकारी करतार सिंह, तहसीलदार संजय चरपोटा, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई समेत पुलिस के दूसरे अधिकारी और मतदान प्रक्रिया में जुटे कर्मचारी केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। दरियावत पंचायत समिति क्षेत्र में कहीं पर भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है।